यस, आप अपने परिवार के साथ आप लोगों के घर में स्वास्थ्य है ना बच्चों? यस, वेरी गुड। तो बच्चों आज मैं आपको बुक नंबर वन में से, यस बच्चों, बुक नंबर वन में से पाठ पढ़ाने वाली हूँ। तो निकालिए बच्चों अपनी अपनी बुक नंबर वन की किताबें। यस सॉरी बच्चों, यस बुक नंबर वन निकाले बच्चों, बुक नंबर वन, वेरी गुड। तो देखिए बच्चों बुक नंबर वन में ऑलरेडी आप लोगों ने पेज नंबर 16 चित्र को उनके नाम से मिलाओ कंप्लीट कर चुके हैं, हाँ ना बच्चों? हाँ। और क्या है, चित्र के नाम लिखो और उनमें रंग भरो, ये भी आप लोगों ने कंप्लीट कर चुके हैं। यस बच्चों, तो यस बच्चों अब नेक्स्ट है आपकी बारी। आज की पेज नंबर 18, नीचे दिए वर्णों के बाद आने वाले वर्ण लिखो। यस बच्चों, तो यहाँ पर क्या दिया गया है देखिए बच्चों, पेज नंबर 18, यस पेज नंबर 18 में गा बीच में नीचे दिए वर्णों के बाद आने वाले वर्ण लिखो। यस चिल्ड्रेन, तो आपको क्या करना है चिल्ड्रेन, अभी इन वर्णों में आने वाले शब्द लिखना है, यानी कि यहाँ पर इस प्रकार से आपको आ दिया गया है और एक यहाँ पर आ दिया गया है ना बच्चों? इस प्रकार से दिया गया है ना बच्चों? तो आपको क्या करना है, आ आ आ आ के बाद यहाँ पर इस प्रकार से ई और यहां पर आपको लिखना है ई। ओके चिल्ड्रेन, ई और आपको यहां लिखना है ऊ और यहां लिखना है आपको ऊ। यस चिल्ड्रेन, जो व्हाइट कलर है, जो सफेद रंग का है, उसमें आपको लिखना है ऊ। नेक्स्ट है यहां पर ए आई ओ आउ ओ आउ। ओके बच्चों, तो लिखिए बच्चों इस प्रकार से, का खा गा खा। तो आपको याद रखना है चार। ओके बच्चों, चार चार, यस। तो यहां पर आपको क्या लिखना है बच्चों, नी के बाद झा, झा के बाद इनी और यहां पर है टा, तो टा के बाद आपको लिखना है टा। यहां पा और फा। ओके बच्चों, बा, बा के बाद आपको लिखना है भा और या के बाद आपको लिखना है रा और ला, ला के बाद आपको लिखना है वा। यस बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना है आपको। ओके बच्चों, कंफ्यूज नहीं होना, इस प्रकार से आपको इस जो व्हाइट वाला सफेद रंग का है उसके ऊपर आपको अक्षर लिखना है। यस बच्चों,
इस प्रकार से देखिए बच्चों, ए के बाद आएगा यहां पर आई, उ, घ, क, च, झ, टा, फा, भा, रा, वा। इस प्रकार से आपको लिखना है इन अक्षरों के अंदर जो सफेद कलर का है, व्हाइट कलर का जो एग जैसा है उसके अंदर आपको बाकी का वर्ड्स लिखना है। यानी कि देखिए बच्चों, आ आ, ए आई, उ उ, ओ आओ, ओके बच्चों, उ आओ, ई ई, क का, यहां पर आपका गा, ओके बच्चों, गा, च, यस, तो आपको क्या लिखना है, च, और यहां पर आपको लिखना है झ, ओके बच्चों, पा फा, टा टा, भा भा, बॉक्स व्हाइट कलर के बॉक्स में आपको लिखना है, ये आपका व्हाइट कलर का बॉक्स है बच्चों, ओके, व्हाइट कलर का बॉक्स में आपको लिखना है। इस प्रकार से आपको ये व्हाइट कलर है इसके अंदर आपको लिखना है। आई बात समझ में बच्चों? देखिए यहाँ पर व्हाइट कलर का जो एग जैसा बॉक्स है, ब्राउन कलर है, उस ब्राउन कलर के सर्किल में आपको अक्षर लिखना है। तो लिखिए बच्चों, राउंड कलर के, व्हाइट कलर के अक्षर में आपको लिखना है। यस, व्हाइट कलर के जो सर्किल है उस सर्किल में आपको लिखना है। तो लिखना शुरू कीजिए बच्चों, नीड से आपको व्हाइट कलर के सर्किल के अंदर लिखना है। ओके बच्चों, लिखिए, शुरू कीजिए लिखना। यस बच्चों, हो गया फिनिश बच्चों। नीचे दिए वर्णों के बाद आने वाले वर्ण लिखो। यस, यानी के आ, आ के बाद आ, तो हमें क्या लिखना है बच्चों, पहला अक्षर लिखना है, यानी के फर्स्ट वर्ड अक्षर लिखना है, यानी के यहां हमें आ, आ के बाद आ आएगा ना बच्चों, इधर आएगा, देखिए बच्चों, ई, हमें क्या लिखना है, पहला अक्षर ई, उ के बाद पहला अक्षर क्या आएगा बच्चों, उ, का खा, घा घा, च इनी च, पा फा, टा टा, यस, इस प्रकार से आपको लिखना है, या रा ला वा। ई के बाद क्या आता बच्चों, ऊ,
उ के बाद रू, ओ, औ के बाद आता है यहां पर अम। ओके बच्चों, अम, का, खा, घा, गा, इनी, छा, पा, पा के बाद में वर्ड क्या है बच्चों, फा, टा के बाद टा, बा के बाद भा, या, रा, ला, वा। यस बच्चों, आपको इसी प्रकार से आपको आपकी टेक्स्ट बुक में यहां पर आपको लिखना है। ओके बच्चों, हो गया आप सभी का लिखना, तो लिखना शुरू कीजिए बच्चों। वर्णों के पहले, यस स्टूडेंट, पहले आने वाले वर्ण लिखिए। वर्ण लिखो, यस स्टूडेंट। सो स्टूडेंट, हम लोगों ने पहले बाद आने वाले वर्ण लिखे हैं। अभी बच्चों हमको क्या लिखना है, पहले आने वाले वर्ण, यानी के बाद आने वर्ण वाले। बच्चे हम लोगों ने क्या लिखा था, आ, आ, या चिल्ड्रन, इस प्रकार से लिखा था हम लोगों ने, आ, आ, ए, आई, ई, ऊ, रू, यानी के बाद वाले वर्ण। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, पहले आने वाले वर्ण लिखना है। तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है, ऑलरेडी यहाँ पर हम लोगों ने ई लिख चुके हैं, तो इससे पहले आने वाले वर्ण क्या है बच्चों, यस, ई। ओके बच्चों, तो यहां देखिए, यहां पर हम लोगों ने आ लिख चुका है, तो अब हमको क्या लिखना है यहां पर, आ, यस स्टूडेंट, हमें आ लिखना है। ओके बच्चों, नेक्स्ट देखिए, यहां पर हम लोगों ने वो ऑलरेडी लिख चुका है ना बच्चों, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, आने पहले आने वाले शब्द, यानी के उ। ओके बच्चों, और रू हम लोगों ने लिख चुके हैं, तो यहाँ पर हमें क्या लिखना है, ए, आई, री, तो यहाँ पर क्या आता बच्चों, आई। ओके, तो नेक्स्ट बच्चों देखिए, यहाँ पर हम लोगों ने या लिख चुके हैं, तो हमें यहाँ पर क्या लिखना है बच्चों, पा, फा, भा, मा, उसके बाद या, तो पहला अक्षर क्या है बच्चों, या, यानी के मा। नेक्स्ट सा, सा से पहले क्या है बच्चों, या, रा, ला, वा, श, शा, यस, श, शा, उसके बाद है सा। तो देखिए बच्चों, यहां पर का, तो यहां पर क्या लिखना है हमें, का, यस, यहां पर हमें का लिखना है। नेक्स्ट बच्चों, ये हम लोगों ने लिखे हैं, तो हमें यहां क्या लिखना है, का, 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 तो हमें यहां पर लिखना है ग, घा। ओके बच्चों, तो देखिए यहां पर त्रा, त्रा के बाद हमें क्या लिखना है बच्चों, यहाँ पर अक्षा, यस, अक्षा त्रा। और बच्चों यहाँ पर पा, प से पहले अक्षर क्या आएगा बच्चों, त, थ, ध, ध, ना, ना के बाद है पा, तो हमें यहाँ पर ना लिखना है। और एक बच्चों यहाँ पर धा, तो धा से पहले
आई बात समझ में बच्चों? नीचे दिए गए वर्णों को पहले आने वाले वर्ण लिखो, यानी कि इन अक्षरों से जो पहले अक्षर आएगा उन्हें हमें लिखना है। ओके बच्चों, यानी कि आ आ ई ई ऊ ऊ रू के आगे ए, मा या के आगे आगे मा, स के आगे शा, ख के आगे का, घ के आगे गा, स के आगे शा, प के आगे ना, ध के आगे दा। ये है अपने पहले आने वाले वर्ण। तो हम लोगों ने पहले क्या सीखा था बच्चों? बाद में आने वाले वर्ण, इस प्रकार से ऊ के बाद रू, ख के बाद गा, च के बाद छ, फ के बाद फ। पहले आने वाले शब्द और बाद में आने वाले शब्द। अंडरस्टूड बच्चों? तो ये लिखना शुरू कीजिए। यहाँ पर बच्चों आपको यहाँ पर नीचे लिखना है, नीट से लिखना है। जो व्हाइट कलर का सर्किल का बॉक्स है, राउंड कलर का व्हाइट कलर, उसके अंदर आपको लिखना है। यस बच्चों, इस प्रकार से आपको व्हाइट कलर के सर्किल के बॉक्स में आपको लिखना है। तो स्टार्ट कीजिए बच्चों लिखना। और त्र से
अक्षत्र क्षत्र, और प से पहले जो अक्षर आएगा ना, त थ ध द ना, उसके बाद आएगा पा, यह सिलेंट, और ध से जो पहला अक्षर आएगा वो है द, त थ द और ध, ये रहेगा आपका पहले आने वाला अक्षर। जो अक्षर से पहला अक्षर आता है उन्हें पहला अक्षर कहते हैं, और ऊपर बच्चों बाद में आने वाला अक्षर यानी के आ के बाद जो अक्षर बाद में आएगा, यानी के इस प्रकार से बच्चों बाद में आने वाला अक्षर, बाद आने वाला अक्षर यानी के ई, ई के बाद क्या है बच्चों, ई के बाद क्या आएगा बाद में, पहले वाला ये हो गया आपका, और ई के बाद आने वाला है ऊ, और ऊ के बाद आने वाला है रू, ओके चिल्ड्रन, और ए के बाद आने वाला है आई, ओ के बाद आने वाला है अम, ओके बच्चों, और घ के बाद आने वाला है घा, ओके बच्चों, और च के बाद आने वाला है ज, और ट के बाद आने वाला है टा, और क के बाद आने वाला अक्षर है खा, ओके बच्चों, आई बात समझ में, प से बाद आने वाला है फा, और य के बाद आने वाला है र, और ल के बाद आने वाला है वा, ये है बाद वाले अक्षर, यस स्टूडेंट, ये है बाद वाले, बाद वाले आने वाले, ये है पहले वाले अक्षर। आई बात समझ में बच्चों, आपको यहाँ पर इस प्रकार से जो व्हाइट कलर का सर्किल है उस व्हाइट कलर के सर्किल में बाद वाले अक्षर और पहले वाले अक्षर आपको लिखना है। आपका लिखना हो गया बच्चों? यस, वेरी गुड। यस बच्चों, तो आज आप लोगों ने पहला वाला अक्षर और बाद वाला अक्षर किस प्रकार से लिखते हैं आप लोगों ने सीखा है ना बच्चों। तो अब बारी है आपकी साक्षी की, तो मैं आपको होमवर्क क्या देने वाली हूँ, देखिए बच्चों पेज नंबर 19, यस चिल्ड्रन, पेज नंबर 19, पेज नंबर 19 में मेरा परिवार, यस स्टूडेंट, मेरा परिवार में आपको क्या करना है, अमान के परिवार में कौन कौन है अपने परिवार की फोटो यहाँ चिपकाओ। देखिए बच्चों यहाँ पर क्या करना है आपको, आपके परिवार की फोटो चिपकाना है। आपके परिवार में कौन कौन है, मम्मी पापा दादा दादी भैया दीदी जो कोई भी है उन सबकी ग्रुप फोटो खींच के आपको यहाँ पर चिपकाना है। समझ में आया बच्चों, तो आपका होमवर्क है मेरी मेरा परिवार की फोटो, यस स्टूडेंट, मेरे परिवार की फोटो आपको चिपकाना है, चिपकाओ, ओके चिल्ड्रन, और आ से ग्यारह, यस चिल्ड्रन, आ से ग्यारह वन टाइम होमवर्क भी आपको करना है, यस चिल्ड्रन, वन टाइम होमवर्क आपको करना है। आपको क्या करना है बच्चों, साक्षी होमवर्क में, साक्षी होमवर्क में पेज नंबर 19 में मेरे परिवार फोटो चिपकाओ, यस चिल्ड्रन, यहाँ पर आपको आपके परिवार की फोटो चिपकाना है, और आपको
यहां तक वर्णमाला अ आ ई ई उ ऊ रु ए आई ओ औ है ना बच्चों, आप लोगों ने ऑलरेडी प्रैक्टिस कर चुके हैं और लिख भी चुके हैं, है ना बच्चों। हाँ, अ से 11 तक आपको वन टाइम होमवर्क भी करना है, ये दो होमवर्क आपको करना है। जब आपका होमवर्क कंप्लीट हो जाएगा बच्चों, तो आपको क्या करना है, उसकी फोटो खींचकर myschoolmyhomework@gmail.com में आपको मुझे सेंड करना है, स्कूल के मेल पर मुझे सेंड करना है। समझ में आई बात बच्चों? यस, वेरी गुड। तो सेंड करेंगे ना? यस बच्चों, ओके, आई बात समझ में? ठीक है बच्चों, अपना ख्याल रखना और आपको बाहर नहीं जाना है, बाहर बहुत कोरोना फैला हुआ है बच्चों, आपको आपके घर में ही रह के पढ़ना है, लिखना है और होमवर्क भी सेंड करना है। ठीक है ना बच्चों? हम आगे की क्लास में मिलेंगे। बाय बच्चों, टेक केयर।